देखिए जी, ये हम प्रजापति महासंघ फरीदाबाद जो हमारी संस्था है और हमारा जो एकत्रित समाज है वो हर वर्ष एक सामूहिक सम्मेलन का समारोह करता है प्रतिवर्ष, और वो बसंत पंचमी के दिन होता है। अब की बार भी 29 जनवरी दिन बुधवार बसंत पंचमी के दिन अनाज मंडी बल्लभगढ़ में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और इसमें हमारे समाज की 29 बेटियों की शादी हम इस समारोह में करेंगे। सर, इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री कृष्णपाल जी गुर्जर जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं वो इसमें मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उनके साथ साथ हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा के रणवीर जी गंगवा, और हमारे पंडित मूलचंद शर्मा जो हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और हमारे केंद्र के मंत्री राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमान लोकेश प्रजापति जी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे, और उनके साथ साथ हमारे जितने भी लोकसभा के विधायक हैं जैसे माननीय नरेंद्र गुप्ता जी हैं, राजेश नागर जी हैं, जगदीश नायर जी हैं, पृथला विधानसभा से जो हमारे दीपक बंगला जी हैं, ये सारे विधायक भी इसमें से। सामूहिक विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक विवाह करके हम अपने समाज में जो फिजूल खर्ची, देखिए प्रजापति समाज मूलतः बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, शिक्षा के स्तर से भी और खास तौर से आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, इसलिए हम समाज के एकत्रित होकर जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनकी हम ज़्यादा सेवा लेते हैं, और ताकि जो हमारे गरीब बेटियां होती हैं, और उसके साथ साथ अभी ऐसा चलन चल गया है कि हम इसमें से पैसे की फिजूल खर्ची को बचाएं और उस पैसे को हम समाज के जो आने वाली पीढ़ी है उन बच्चों की शिक्षा पर लगाएं, ताकि समाज का उद्धार हो सके, समाज अपने स्वाभिमान का जीवन जी सके। तो इस सामूहिक विवाह समारोह में प्रजापति संघ के अलावा कोई और भी सहयोगी आपके साथ? देखिए, इसमें मूलतः तो प्रजापति समाज के लोग ही होते हैं, फिर भी कई अनेकों अनेक, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको, आप वैसे मेरे भाई हो, मैं भारतीय जनता पार्टी में OBC मोर्चा में प्रदेश में सचिव भी मुझे नियुक्त किया गया है, और उसमें सेवा मुझे मिली है, उसमें भी मैंने काम किया है पिछले 6-8 महीनों से। तो मेरे जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे, जैसे कंडेरा समाज है, जैसे अपने बघेल समाज है, फैन समाज है, कई सारे समाज लोग भी इसमें शिरकत करेंगे, इसमें हिस्सेदार बनेंगे, उनका भी सहयोग रहेगा, उनका भी सहयोग रहेगा। और मैं एक और आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कि सामूहिक सम्मेलन हम करते हैं, इसमें हम अपने समाज को शैक्षिक स्त्री इन सारे पैसे की खिजूल कर दी दौड़ाते हैं, और एक इसमें एक अच्छा काम जो हम करते हैं, इसमें एकता का हमारा जो सूत्र में बंधने के लिए हम इस माध्यम से कि हमारे जो पूरा समाज है वो एकत्रित होकर इस काम को आगे बढ़ा सके, हर जगह हम एकत्रित हो सकें, इकट्ठे रह सकें, इकट्ठे बढ़ सकें।